तो दोस्तों आज हम आपको लेके जाने वाले हैं सीधा दिल्ली से गोवा, और क्या क्या हमारे साथ कठिनाई आई है, क्या क्या हम क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है गोवा जाने का, मैं आज आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहूँगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मतलब कैसे किस क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ट्रेन का जो टिकट था वो हमने एक महीने पहले बुक कर दिया था। हेलो, तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं गोवा, ये हमारा गोवा का ट्रिप है और वहाँ पर कितना मज़ा आने वाला है हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग बीचेस पे जाएंगे और हम जिस रूम में रहेंगे उसका एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। यहाँ से कितना फेयर लगा हुआ है हमारा वो हम पूरा आपको डिटेल में सारा बताएंगे। हम आपको ए टू जेड पूरी डिटेल देने वाले हैं इस ब्लॉग के अंदर, क्योंकि हमारा गोवा का ब्लॉग है। 4 से 5 दिन का ये ट्रिप है हमारा। गाइस निकल चुके हैं हम और बहुत मज़ा आएगा यार क्योंकि मैं एक्साइटेड भी हूँ और नहीं भी। मैं तो पहली बार ये भाई एक्साइटेड है, मतलब ये पहली बार जा रहा है इस वजह से ये एक्साइटेड है। मैं एक्साइटेड थोड़ा थोड़ा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बार घूम के आ चुका, इस वजह से मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। अश्विनी भाई ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो अश्विनी भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे को तो ट्रेन में भी बहुत मज़ा आने वाले हैं। अभी ये मैं आपको बता दूँ, इधर से हम ट्रेन से जाएंगे, उधर से हमारा फ्लाइट का टिकट है और ट्रेन में बैठ करके फिर आपसे बातें चीतें करेंगे। कितना मज़ा आने वाला है बातें चीतें करने में। और अश्विनी मुझे तो बताएगा कि दिस इज फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो कैसा लग रहा है तेरे को? मेरे को तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने एक महीने से मुझे एक्साइटेड होना नहीं था, पर अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस जैसे जैसे गोवा पहुंच जाए कैसा है, कैसे ये एक महीना निकल गया हमारा कुछ पता नहीं चला। बहुत मतलब अल्टीमेट मज़ा आ गया। ये आ गए हैं हम मेन रोड पे और हमारी कैब आने वाली है, अभी कैब का वेट करते हैं, देखते हैं। क्योंकि जो हमारी जो ट्रेन थी वो थी निज़ामुद्दीन से वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा गोवा से आगे है, गोवा में जाने के लिए प्रॉपर ट्रेन नहीं है। गोवा से पहले एक स्टेशन पड़ता है मडगांव, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रेन में बैठोगे तो आपको बहुत सारे आपके साथ बहुत सारी मतलब आपको एक्सपीरियंस आपको मतलब बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता दूँ, जैसे बहुत सारी गुफाएं आती हैं। तो गाइस हमें गोवा एक्सप्रेस मिल गई है क्योंकि हम सो एक्साइटेड हैं गोवा एक्सप्रेस में जाने के लिए। आप देख सकते हैं ये कौन से प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब चलते हैं नीचे की ओर और देखते हैं अपनी सीट, हमें जाना है S3। सो गाइज हम S3 पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा कोच और इसके अंदर हम अभी एंट्री करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं अपनी सीट। चलो चलते हैं अंदर की ओर। तो हम बैठ चुके हैं अपने ट्रेन में और ट्रेन का टाइम है 2:40, तो अभी हमें आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। हमारी गाड़ी है वास्को जो निज़ामुद्दीन से चली है वास्को डी गामा तक जाएगी, और अभी हम हैं भोपाल। कहाँ पे हैं हम? भोपाल में। अभी देखते हैं यहाँ से कितनी देर में चलने वाली है, फिर उसके बाद हम एक नए स्टेशन पे मुलाकात कराएंगे आपकी। गाइज ये हमारी गाड़ी है वास्को डी गामा जा रही है गाड़ी, और मैटर नहीं करता कि गाड़ी कहाँ जा रही है, बस आप सबसे पहले जाओ चैनल पे और मेरी वीडियो देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। गाइज ये हमारी ट्रेन है जो कि जा रही है वास्को डी गामा, लेकिन हमें वास्को डी गामा नहीं जाना है, मैं तो सिर्फ मडगांव उतर, ठीक है। मडगांव उतरने के बाद फिर हम सीधा जाएंगे गोवा, क्योंकि वहाँ से थोड़ी दूरी है। तो दोस्तों फाइनली हम मडगांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी हमें बाहर से एक बस मिलेगी जो हमें गोवा तक लेके जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर जो हम दिल्ली से हम डायरेक्ट गोवा के लिए कोई ट्रेन नहीं होती है, मतलब गोवा से पहले एक स्टेशन होता है मडगांव, वहाँ से आपको वो ट्रेन यहाँ तक आपको छोड़ेगी मडगांव स्टेशन, और यहाँ से आपको बाहर से स्टेशन के बाहर से आपको
उसमें जाना पड़ेगा, बस वगैरह में या जो भी यहाँ पे मिलेगी, जैसे बाइक वगैरह भी मिल सकती है, आप उसमें जा सकते हैं आप। लेकिन ये गाड़ी वास्को डिगामा जा रही है, अगर जो गलती से आप मडगांव नहीं उतर पाते, ये वास्को डिगामा चले जाते हैं, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं गोवा के लिए। ठीक है, तो भी हम चलते हैं बस की ओर, बस ले लेते हैं वहाँ से, या जो भी मिलेगा वो भी ले लेंगे, बस या बाइक वगैरह जो भी मिलेगा वहाँ से हम। हालत कैसे नहीं छके हुए हैं क्योंकि सुबह के बजे हैं 6, तो इस वजह से बहुत बुरा हाल है, क्योंकि एक्साइटमेंट था एक तो सबसे पहले मडगांव पहुँचने का, तो इस वजह से 3-4 बजे तो हम सोए भी नहीं हैं 3-4 घंटे से। पहली बात तो आपको पता ही है यार, 44 घंटे हो गए आज हमें सफ़र करते करते, तो कहाँ नींद आती है यार, इतना 1-2 घंटे सोया फिर उठ गया, 1-2 घंटे सोया फिर उठ गया, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये मडगांव का स्टेशन है पूरा गाइस, इस तरह से आपको बाइक मिल जाएंगे खड़ी हुई बाहर, और इधर ऑटो भी खड़े हुए हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बुलाएंगे, लेकिन आपको जहाँ पहले खाना पीना खाना है उसके बाद ही जाना है। ठीक है, अभी हम पहले कुछ खाना पीना कर लेते हैं। आपको अगर आप पर्सनल बाइक करोगे या पर्सनल ऑटो करोगे, तो भाई वो आपको, अगर आप जाना चाहते हो भाई मुझे मापसा जाना है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। एक इलाका है वहाँ पर, एक लोकेशन है मापसा, ठीक है, उससे पहले, मापसा से पहले मैं आपको बताऊँ, मापसा जाने से पहले आपको पंजी जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपना पर्सनल ऑटो कर लेते हैं, पर्सनल बाइक पर जाना चाहते हैं, तो उसको वो पंजी को आपको निकाल के लेके जाएगा, या किसी दूसरे को रास्ते निकाल के लेके जाएगा। लेकिन अगर आप बस से जाते हो, भाई बस से बहुत अच्छा लगा मुझे भाई, 60 रुपये का टिकट था सिर्फ पंजी तक का, फिर पंजी से आगे आपको लोकल बस मिल जाती है, वो भी शायद 60 या 50 रुपये लगेंगे, लेकिन भाई कहाँ 60 रुपये, कहाँ 1200 रुपये यार। और बस भी भाई बहुत अल्टीमेट थी, आप देख सकते हो भाई बस कितना अच्छा था, बस इलेक्ट्रिक बस थी, बहुत अच्छा, मतलब लगा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बस का, क्योंकि इससे पहले तो हमने अपना पर्सनल ऑटो कर लिया था जब मैं अपनी वहाँ पर टूर्नामेंट्स के लिए गया था। गाइज, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप मडगांव उतरोगे ना, तो मडगांव से आप डायरेक्ट, अगर जो आप पंजी वो मापसा वगैरह के लिए जाओगे, तो 1200 रुपये मांगेगा। लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि वहाँ से आप बस स्टैंड जाओगे, और बस स्टैंड से वहाँ से आपको दूसरी बस लेनी है जहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट टैक्सी वैक्सी के चक्कर में पड़ना, क्योंकि 1200-1500 रुपये लेंगे, तो आपको पहले बस स्टैंड जाना है, उसके बाद ही मतलब वहाँ पर आपको जहाँ जाना है वहाँ के लिए बस पकड़ लेना। ये 60 रुपये का टिकट है यहाँ पर 2 जनों का, आप देख सकते हैं, और इस तरह ही कुछ बस होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बस है चार्जिंग वाली, तो आप इनके मतलब बस वगैरह में ही जाना, क्योंकि खुद वैसे जाओगे ना आप, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपका। तो गाइस प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर जो आप मतलब आ रहे हो भाई, देखो बाकी जिसके पास पैसा होता है तो चाहे जहाँ पे चला जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली वाला मतलब उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हम इस वक्त गाड़ी ले रहे हैं भाई, ये हमने रेंट पर ली है। जितने दिन हम यहाँ पर रुके हैं, 3 से 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन हम यहाँ पर रुके हैं, हमने अपनी गाड़ी मतलब रेंट पर ली है, जिसका 300 से 350 रुपये एक दिन का चार्ज होता है। तो हमने अपनी एक पर्सनल एक्टिवा ले लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये था कि हमें सिर्फ इसके अंदर अपना पेट्रोल भरवाना था, और भाई चलानी थी, चाहे पूरे गोवा में कहीं चले जाओ, साउथ गोवा चले जाओ, नॉर्थ गोवा चले जाओ, कोई से भी गोवा चले जाओ। तो पंजी में मैं इनके यहाँ पर रुका, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो भाई, इतना अच्छा इनका घर है, यहाँ पर मैं रुका था। फिर यहाँ से हमारा व्लॉग मतलब हमारी जर्नी एंड हो जाती है, फिर हमारा नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। ये हमारा रूम है, आप देख सकते हैं कि हमारा लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है इधर ही, हमारा पूरा यशवनी तैयार हो रहा है भाई, यहीं से ही हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, आई होप ये आपको हमारा फर्स्ट डे मतलब दिल्ली टू गोवा अच्छा लगा होगा। अब ऐसे ही आपको सीरीज़ मिलने वाली है पूरी, हमारे डे वन में क्या शेड्यूल था, डे टू में कहाँ कहाँ हम कौन कौन से बीचेस पे हमने कवर किया, हमारी कौन कौन सी हमने वहाँ पर स्पोर्ट्स राइड की हैं, उनके क्या प्राइजेज हैं, मैंने कंप्लीट बताया है आगे की सीरीज़ में। तो वीडियो पूरी सीरीज़ वाइज देखना, तभी मज़ा आएगा और आपका भी मन करेगा। और अगर आप भी भाई प्लानिंग कर रहे हो जाने की, तो भाई बहुत अच्छा प्लेस है, ठीक है, और ख़ासकर कपल के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो मतलब कोई भी जा सकता है, कोई ऐसी मतलब वहाँ पर मना ही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत पीसफुल वहाँ पर लगा, क्योंकि हम रात में जब 12-1 बज जाते थे, तो हम अपनी एक्टिवा होती थी भाई
24 घंटे ओपन है भाई, किसी के लिए कोई लॉक नहीं है। वहाँ पर मतलब अपने एक्टिवा उठाई और जा कर के बीच पर बैठ गए। वहाँ पर जो शांत थी, मतलब जो आवाज़ थी, जो लहरें थी, मतलब वेव्स जो आ रही थी समुद्र की, वह बहुत अल्टीमेट थी। मतलब उनसे हमें बहुत कुछ मैसेज मिल रहा था, बहुत कुछ सीखा हमने वहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अब सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। आई होप आपको ये जर्नी हमारी अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।